जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। ये 2012 का आखिरी टॉपिक है हिंदी का। 2012 में जो हमने प्रीवियस की सीरीज बनाई है उसका प्लेलिस्ट भी हमने रेडी कर दिया है, वहां पे जाके देख सकते हो बच्चों। और एक बात कहना चाहूंगा सभी से, 2012 का पेपर तो मैं आपको दिखा दिया, 2017 का पेपर मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम में। ये 12 और 17 का पेपर शर्मा कोचिंग क्लासेस किस टेलीग्राम में मिल जाएगा, यहां से जाके आप उसको डाउनलोड करके प्रिपेयर कर सकते हो कि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में सवाल कैसे आए थे, ठीक है। और ये हमारा इंस्टाग्राम है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप है, इसको भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। चालू करेंगे आज के सेशन को। हिंदी का टॉपिक है, पहला क्वेश्चन दिखता है कि विशाल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द क्या है। आपके टॉपिक में दिया था विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब कुछ दी है बच्चों, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा ताकि आप इन सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सको। तो जाहिर सी बात है, विशाल मतलब बड़ा होता है, तो लघु, देखो बड़ा का विलोम छोटा होगा ना। अगर पूछता बड़ा का विलोम क्या होगा तो बताते छोटा होगा, है ना। तो यहां पे पूछा है विशाल का विलोम होगा लघु। तो विलोम शब्द आज से पढ़ना चालू कर दीजिए, डेली कम से कम 15 विलोम शब्द पढ़े, 15 विलोम शब्द आज से पढ़ना चालू कर दीजिए आप डेली के डेली, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, दिख रहा है, यही है वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था, यह है। अब ये किस प्रकार का वाक्य है, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है यही वह वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया था। ये सरल वाक्य है, कठिन वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है। अगर आप गौर करो तो इनमें वाक्यों का मिश्रण आपको दिख रहा होगा। यही एक वीर बालक है जिसने डूबती बालिका को बचाया है, तो ये मिश्र वाक्य कहलाएगा आपको, ठीक है। आपको सारे टॉपिक, सरल वाक्य, कठिन वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये पहले पढ़ना है निकाल के। अगर आप हिंदी की बुक जानना चाहते हो तो अभी आपके लिए सबसे बेस्ट होगी लूसेंट की बुक। आप लूसेंट की बुक ले लीजिए जो आपकी बेस्ट होगी और अच्छे काम की बुक है। ये सभी वाक्य इंपॉर्टेंट है, काम के है और आपको याद रखना है बच्चों। कोई भी स्टूडेंट इस पे गलत या रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। मैं आपको आइडिया दे रहा हूं 2000 पेपर के अनुसार से टॉपिक क्या क्या आए थे करके, ठीक है। अगला, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं झूठ से घृणा करता हूं, इसमें है अपादान कारक, ठीक है। तो याद रखिए, कारक भी पढ़ना है, विशेषण भी पढ़ना है, विशेष भी पढ़ना है, सब पढ़ना है। हिंदी के टॉपिक अच्छे हैं और सिंपल टॉपिक आएंगे, उन सभी टॉपिकों को आपको रेगुलर पढ़ना है बच्चों, छोड़ना किसी को भी नहीं है। सारे बच्चे इस पे बिल्कुल फोकस करके चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे कहा जाता है। एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सरल वाक्य, ठीक है। अगर आप सरल वाक्य के बारे में हिंदी में नहीं पढ़े हो तो पढ़ना चालू कर दो। मिश्र वाक्य पढ़ो, विधिवाचक वाक्य पढ़ो और संयुक्त वाक्य पढ़ो। वाक्यों में जो भी टॉपिक आपको ऑप्शन में दिख रही है, इन सारी टॉपिकों को पढ़ना चालू करो। बुक मैंने बता दिया है, उस बुक को ले लो, पढ़ना चालू करो। बाकी हमारी क्लासेस तो इस पे आएगी। अभी हम पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको समझा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से आया। आप वैरायटी देख लीजिए, टाइप्स देख लीजिए, तो आप लोग के लिए ज्यादा समझ आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि किसे कहते हैं। जवाब दो कमेंट करके, आप इसका कमेंट में भी जवाब दे सकते हो। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं, बी आ आ स्वर ध्वनि है, स्वर पढ़ना है, व्यंजन पढ़ना है, सब पढ़ना है। और याद रखिए 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे, इसको चारों खाने चित करके इस नंबर को लाना है स्टूडेंट। कोई बच्चा भी जो मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन से दूर ना भागे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द, सारे समास देखना है। अब इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है, तो यह है कर्मधारय समास। नीला है अंबर, नीलांबर, ठीक है। पर हमको समास का पूरा टॉपिक देखना है,
समास का टॉपिक देखना है, उसके प्रकार देखना है, उनकी परिभाषा देखना है, हमको पूरा टॉपिक देखना है समास का। समास हमसे छूटना नहीं चाहिए बच्चों, पूरा देखना है, ठीक है। अपादान तत्पुरुष समास का ये सही शब्द चुनिए, अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द चुनिए, तो ए है, क्या हो जाएगा, रोग मुक्त। तो हमने क्या कहा कि समास पूरा करना है, समास के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, पर ऐसे क्वेश्चन इक्वली डिवाइड है, पर समास के क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जो बच्चे पहली बार एडीओ का एग्जाम दे रहे हैं वो आइडिया जरूर ले, क्योंकि आइडिया से आपको पढ़ाई करने में आसानी मिलेगी, क्या करेगी, पढ़ाई करने में आपको मिलेगी आसानी, और इसी आसानी के साथ पढ़ाई आप कर सकते हो बच्चों। अगला, तुम तू तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, बहुत प्यारा सवाल। संज्ञा सर्वनाम सब टॉपिक पढ़ना है और इसको अच्छे से पढ़ना है। तुम तू तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है, तो आंसर आप कमेंट बॉक्स पे भी कमेंट कर सकते हो, इसका आंसर है बी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या, पर हमको सब पढ़ना है, हमको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी पढ़ना है, संबंधवाचक पढ़ना है, निजवाचक, मतलब हमको सर्वनाम का पूरा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये सवाल पूछे गए हैं। तो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी टॉपिक पढ़नी है, कौन सी टॉपिक नहीं पढ़नी है करके, ठीक है। अगला देखें, रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। रानी बहुत बोलती है, यह वाक्य इसका उदाहरण है। तो यह आंसर उस समय विलोपित हो गया था, विलोपित हो गया था, विलोपित मतलब इसका आंसर नहीं लिया गया, मतलब क्वेश्चन गलत माना गया, तो यहां पे मैं इसको छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेश शब्द है, विदेशी शब्द है, यह तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, जवाब दो, तो वो है आपका डी, औरत विदेशी शब्द में आता है, ठीक है। तो हमको देशज, जितने भी देशज शब्द होते हैं और जितने भी विदेशज शब्द होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं, ये सभी को याद करके चलना बच्चों, गलत नहीं करना है। पेट की आग के लिए एक शब्द है, पेट की आग, जवाब दीजिए, इसके लिए है, आंसर है जठरानी, बस यहां पे शायद जेठामी होना चाहिए था, जेठरामी होना चाहिए था शायद, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, पर कोई बात नहीं, सवाल से समझ गए। आपको शब्दों से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, तो आपको इसको भी अच्छे से करना है, किसी बच्चों को छोड़ना नहीं है। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या है, अंधे की लकड़ी, मुहावरे लोकोक्ति के हिसाब से क्वेश्चन निकाल सकता है ये, अंधे की लकड़ी का अर्थ है सहारा लेना। भाई अंधे की लकड़ी क्या होती है, एक अंधा आदमी लकड़ी के साथ क्या करता है, वो सहारा लेता है। तो सवालों को आराम से पढ़ के आप बना सकते हो स्टूडेंट, कोई भी आपको इसमें रोकेगा नहीं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर है डी, वेदना स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। उर्दू का उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपको देखना है बच्चों, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो उर्दू का उपसर्ग होगा बे, उर्दू का क्या होगा, बे, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सचरित में कौन सा संधि है, सचरित में कौन सा संधि है, संधि पूरा करेंगे, एक एक टॉपिक को नहीं छोड़ना है बच्चों, संधि से सवाल कई बार एग्जाम में आए, तो इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर सही आंसर है ए, व्यंजन संधि, संधि पूरा करेंगे बच्चों, सवाल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दो मिनट, अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है, अनेकार्थी शब्द पतंग का अर्थ नहीं है, ये उल्टा दिया है, पतंग का अर्थ नहीं है, जैसे बस डी, पत्ता, ठीक है, अर्थ नहीं है, क्या होगा, पत्ता। सवाल अच्छे हैं, अनेकार्थी शब्द भी आएंगे, वहां भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, राम खेल रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए, राम खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, इसका उद्देश्य क्या होगा,
उद्देश्य राम है, इस वाक्य का उद्देश्य राम है, ठीक है, इस बात को याद रखना। अगला क्वेश्चन सेट कर लो क्या? ठीक है। निम्नलिखित में कौन से शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है? उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग एक साथ हुआ है तो वो है सम्मानित, ठीक है, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो याद रखिए प्रश्न की प्रक्रिया को, प्रश्न के प्रकृति को समझिए कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखना है और यही आपको क्या करना है, समझना है स्टूडेंट, प्रश्न कैसे आ रहे हैं और प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, सवालों को यहां से समझ के चलेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, मुहावरे लोकोक्ति अब पढ़ के जाना है, और विशेषता नहीं है बोल रहा, देख लो क्या होगा। बी, एक वाक्यांश होता है, ठीक है, इस चीज को याद रखना क्योंकि आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखना पड़ेगा, हर चीज की थ्योरी पढ़ के जाना पड़ेगा, सवाल कहीं से भी निकाल के दे सकता है आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? अगर आप गौर करो तो आजकल नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछता है ताकि जो बच्चे पॉजिटिव याद किए हैं वही बना सके, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें सी, गीता ने पुस्तक पढ़ी, गीता ने पुस्तक पढ़ी, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? गीता ने पुस्तक पढ़ी, ये अकर्मक क्रिया नहीं है इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से किस वाक्य का पद क्रम सही नहीं है? देखो मैं क्या बता रहा हूं, आजकल एग्जामिनर नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा फॉलो करता है, बच्चों क्या करता है, फॉलो करता है नेगेटिव क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य का पदक्रम सही नहीं है? आंसर है बी, मोहन सो रहा है। क्या बिल्कुल सही है, पदक्रम सही नहीं है, क्या मोहन सो रहा है, ऐसे सवाल होना चाहिए था, मोहन सो रहा है क्या, ये तो उल्टा हो गया ना, चीजों को समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। संयुक्त वचन ज्ञा इनके योग से बना है, बिल्कुल सवाल, बिल्कुल सवाल ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, संयुक्त वचन ज्ञा किनके योग से बना है? जा प्लस ज्ञा, ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, ऐसे सवाल ही ज्यादा एग्जामिनर एग्जाम लेने वाला प्रिफर करता है बच्चों, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, जवाब दीजिए मुझे, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, खट्टा खट्टा, ठीक है, इस बात को याद रखना, शेषा पशुता ममता से भाव उत्पन्न हो रहा है, खट्टा से नहीं हो रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है, स्पेलिंग की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन भी विलोपित हुआ था, विलोपित किया गया था, और जहां पे विलोपित हुआ वहां पे ऑप्शन का प्रॉब्लम होता, तो हम भी यहां से इसको विलोपित कर देते हैं अभी, ठीक है। तद्भव शब्द को चुनिए, तत्सम तद्भव शब्द को आप लोगों को पढ़ना है, तत्सम भी पढ़ना है, तद्भव भी पढ़ना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है, तो तद्भव शब्द को चुनेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा, दूध, ठीक है। अगला, दोषारोपण करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, दोषारोपण करने के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, कमेंट के जवाब देंगे। उंगली उठाना, भाई दोषारोपण करना में मतलब होता है उंगली उठाना, इस बात को याद रखना, क्या होगा, उंगली उठाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? मैंने क्या बताया था आपको, नेगेटिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, कमल का पर्यायवाची नहीं है तो वो है जलद, ठीक है, बाकी पंकज अंबुज जलज ये पर्यायवाची है, इसको भी याद रखना है। संकेत वाचक वाक्य का उदाहरण है, जवाब देंगे मुझे, संकेत करना, जवाब दीजिए डी, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाओगे, ये संकेत वाचक वाक्य है, क्या है, संकेत वाचक वाक्य है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पे आपका ये बड़ा सा अनसिंग पैसेज है, पढ़ के जवाब देना है स्टूडेंट, तो इसको अभी पढ़ तो सकते नहीं, बहुत बड़ा है ये, है ना, तो इसमें जो क्वेश्चन है उसके मैं आंसर टिक करा दे रहा हूँ आप लोगों के देखने के लिए, बाद में पीडीएफ डालूंगा तो पढ़ लेना और आपको क्लियर इसका आंसर आ जाएगा। साहित्य की उन्नति का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? पुस्तकालय है, और पुस्तक गद्यांश का उत्कृष्ट
उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका पुस्तकालय और भारत। ठीक है, तो ऐसे गद्य पद वाले भी सवाल पूछे जाएंगे जहां पे आपको पढ़ के जवाब देना है सभी बच्चों को। ठीक है, इसको पढ़ के जवाब देना है बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे, देखो ये आपको समझाने के लिए था, हम जब टॉपिक लेना चालू करेंगे तो आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सारे बच्चे इस पे अडिग रहिए, अटल रहिए कि सवाल ऐसे ही आते हैं और आपको ऐसे ही करना है स्टूडेंट। और याद रखिए इसकी पूरी पीडीएफ मैं एक साथ शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो और खुद भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे वीडियो पूरा देखे हैं तो हमारी कोर्सेज भी लॉन्च है एडियो की, और यहाँ पे ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च है। अगर चाहो तो आप ऑप्शनल भी ले सकते हो, चाहो तो फुल कोर्स भी ले सकते हो। जो जो बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है वो मुझसे एकदम कनेक्ट होके अपनी तैयारी को चालू कर दे स्टूडेंट, कोई बच्चे भी रुके मत। तो पूरा पेपर 2012 हमने दे दिया है, अब आगामी 2017 का पेपर हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे और हम अब इसकी क्लासेस आप लोगों के लिए चालू कर देंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, ओके धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट। अपना ध्यान रखें और तैयारी चालू कर दे एडियो की, एडियो के सवाल मैक्सिमम पूछे जाएंगे, आपको छोड़ना किसी को भी नहीं है। ओके बाय, टेक केयर बच्चों सबको, बाय, टेक केयर सभी को।